गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लेक्चर, नेक्स्ट टाइप की जो हमारे पास पैकेजिंग है दैट इज डिस्पोजेबल पैकेजिंग। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, इसमें यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट है कि आपने जो प्रोडक्ट है उसे यूज किया और जो उसका पैकेट है वो आपने डिस्पोज कर दिया। तो इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, वो यूज करने के बाद जो भी उसका कंटेनर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जो एम्प्टी कंटेनर होता है प्रोडक्ट का। और ये जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट एडॉप्ट किया था जो मैन्युफैक्चरर हैं फ्रूटी के, उन्होंने, उसके बाद धारा एडिबल ऑयल और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइजेनिक है, लेस वेट, लेस कॉस्ट, ईजी टू कैरी होता है, अट्रैक्टिवली डिज़ाइंड होता है और डिफरेंट साइजेस में आप इसे बना सकते हो और कस्टमर्स इसे लाइक भी करते हैं। देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में जो भी प्रोडक्ट है आप उसे या तो बल्क पैकेज आप कह सकते हैं या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट का जो पैकेज होता है उस तरीके से आप प्रोडक्ट को पैकेज करते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को बड़े अमाउंट में जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे ये बेसिक पैकेज टाइप्स है जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेंट का ड्रम या फिर ग्रीस का ड्रम, केरोसिन ऑयल हो गया, वुडन कंटेनर्स हो गए, जूट बैग्स हो गया, प्लास्टिक ड्रम्स, कैंस एक्सेट्रा हो, इन पैकेजेस को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो कार्टन्स ऑफ टेलीविजन्स, फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स की फॉर्म में आप करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है। मॉडर्न जो कंसेप्ट है, हमने पहले अपने पिछले लेक्चर्स में भी कहा कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ नहीं होती, वो एज अ प्रमोशनल टूल भी आप यूज़ करते हो। तो जो मेन फंक्शंस है पैकेजिंग के वो क्या क्या है, सबसे पहला है प्रोटेक्शन, देन कन्वीनियंस, आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन एंड अट्रैक्टिवनेस। प्रोटेक्शन मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग का कि जो भी कंटेंट है प्रोडक्ट के उसे प्रोटेक्ट किया जाए जब तक उसे कंज्यूम नहीं कर लिया जाता, और ये जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को फ्रेश और क्लीन रखती है। ये प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को वेदर से, टेम्परेचर से, डैम्पनेस से, इंसेक्ट से, कंटामिनेशन एक्सेट्रा चीज़ों से, और जो फ्लेवर और कलर है प्रोडक्ट का उसे प्रिजर्व रखता है। तो जो पैकेजिंग है वो प्रोवाइड करवाती है प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके की मिसहैंडलिंग ना हो, डैमेज ना हो प्रोडक्ट उससे ड्यूरिंग दी ट्रांसिट या स्टोरेज, आपका प्लिफरेज ना हो। एयर टाइट पैकेजिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है जो इनर क्वांटिटी है प्रोडक्ट की उसको, और आपका लॉस ऑफ लिक्विड ना हो या वेपोराइज ना हो जाए प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट को प्रिजर्व रखती है। देन नेक्स्ट इज योर कन्वीनियंस। जो कंज्यूमर्स हैं एज वेल एज जो मिडल मैन है उन्हें चाहिए पैकेजिंग जो इजी टू कैरी हो, यूज इजीली आप कर सको और डिस्पोज ऑफ भी आप उसे इजीली कर सको। तो जो पैकेज है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि कन्वीनियंट और अडेप्टेबल हो कंज्यूमर्स और मिडल मैन के लिए। पैकेजेस जो इजीली हैंडल किए जा सके, ओपन इजीली हो सके, यूज इजीली हो सके, जिन्हें मूव एक जगह से दूसरी जगह इजीली किया जा सके, स्टोर्ड इजीली किया जा सके, उसे कंज्यूमर फेवर करते हैं। और ये जो फंक्शन है वो आपका पैकेजिंग करता है, कन्वीनियंट टू हैंडल, कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंट टू डिस्प्ले एंड कन्वीनियंट फॉर स्टोरेज, यही चीज़ें जो है पैकेजिंग प्रोवाइड करवाती है। द नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू पैकेज, क्लोज प्रोटेक्शन और कन्वीनियंस के साथ साथ जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी जो एडेड फीचर है पैकेजिंग का वो प्रोवाइड करवाती है। जो पैकेज है वो डिस्टिंग्विश करता है एक ब्रांड के प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से, और जो भी साइज, कलर, डिज़ाइन, मटेरियल है हर एक पैकेज का आप अलग क्रिएट करते हो ताकि जो आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उससे अलग आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सके। देन नेक्स्ट इज योर प्रमोशन। अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स, प्रिंटेड मैटर जो भी पैकेज के ऊपर होता है वो कंज्यूमर को अपील करता है। सबसे पहले जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो पैकेज देखकर ही बाय करता है, तो पैकेज एक तरीके से आपका साइलेंट सेल्समैन है।
पैकेजिंग आपको हेल्प करती है इन सेल्स प्रमोशन. एक इकोनॉमी या रिफिल पैक आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कूपन पैक स्कीम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, रीयूजेबल और मल्टीपर्पज पैकेजिंग आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, स्पेशल प्राइस डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते हो जो आपने पैकेज के ऊपर मेंशन किया हुआ है, एडवर्टाइजिंग मैसेज आप पैकेज के ऊपर प्रिंट करवा सकते हो. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो पैकेजिंग देती है. नेक्स्ट इज योर अट्रैक्टिवनेस. अट्रैक्टिवनेस भी एक फंक्शन है पैकेजिंग का. जो भी डिजाइन और लेबल है पैकेज के ऊपर जो आप लिख रहे हैं, पिक्चर है, प्रिंटेड मैटर है, लेआउट है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये सारे स्पेशल एस्पेक्ट्स है पैकेज के जो सेल्स अपील को इंक्रीज करते हैं. इनिशियल स्टेज पर पैकेज ही होता है जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है, ना कि प्रोडक्ट. और इसी फंक्शन की वजह से जो पैकेजिंग है उसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. तो अट्रैक्टिवनेस के लिए एक जो पैकेज है वो आई कैचिंग होना चाहिए, गुड वैल्यू रिफ्लेक्ट उससे होनी चाहिए, प्रोडक्ट स्टोरी वो कन्वे करे, इजी टू हैंडल हो, स्टोर हो, यूज हो, शेप साइज कलर स्टाइल जो पैकेज का है वो यूनिक हो, देन पैकेज में इम्प्रेशन दिखे रिचनेस का, लग्जरी लुक का या एक्सक्लूसिवनेस का. देन नेक्स्ट इज योर डिफ्रेंशिएशन. ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पैकेजिंग का. पैकेजिंग जो है हेल्प करती है प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में. जो कंज्यूमर का प्रोडक्ट है और जो जिसे वो परचेज करने जा रहा है और जो आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, दोनों में जब वो डिफ्रेंशिएट करता है तो वो थ्रू पैकेजिंग भी कर सकता है. देन नेक्स्ट इज योर डिपेंडेबिलिटी. जो ट्रुथफुलनेस है, हॉनेस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर आप पैकेज के ऊपर दिखा रहे हो, क्वालिटी ऑफ पैकेज उस तरीके से इंक्रीज कर रहे हो, तो जो कंज्यूमर है वो पैकेज देख के ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है. देन कम्युनिकेशन, पैकेजिंग परफॉर्म करता है कम्युनिकेशन का फंक्शन. जो भी कॉम्पोनेंट्स है कम्युनिकेशन मिक्स के, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन थ्रू पैकेजिंग आप कर सकते हैं. देन प्रॉफिट, पैकेजिंग परफॉर्म करता है प्रॉफिट का फंक्शन भी. किस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटीज जो हैं अर्निंग की ज़्यादा हो जाती हैं अगर जो पैकेजिंग है आपने अपने प्रोडक्ट की अच्छे पैकेज में की है. एक हाई प्राइस जो है आप चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से अगर आपकी पैकेजिंग जो है वो सुपीरियर है और जो कस्टमर है उसका अटेंशन वो ग्रैब कर सकती है. द नेक्स्ट इज एक्सटेंड्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कई बार जो फीचर्स हैं प्रोडक्ट के वो चेंज होते हैं और उस टाइम पर डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर आप अपने प्रोडक्ट के पैकेज को चेंज नहीं करते तो आपके अपने प्रोडक्ट को सेल करना, तो विद द चेंज इन प्रोडक्ट फीचर्स जो आपका पैकेज है वो भी चेंज होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज योर इजी प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स रिलेट करता है प्रोडक्ट लाइन से. डिफरेंट साइजेस जो हैं आपके, कलर, मेजर्स, ग्रेड्स, पैकेज टाइप एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होते हैं. तो जब आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है तो जो पैकेजिंग है वो भी चेंज होगी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करेगी आपके प्रोडक्ट के वेट को, साइज को, डायमेंशंस को. तो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो फैसिलिटेट करता है प्रोडक्ट प्राइसिंग को, स्टोरेज को, हैंडलिंग, डिस्प्ले एक डाइवर्सिफाइड मार्केट सेगमेंट में. द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन. पैकेजिंग हेल्प करती है कि एडल्ट्रेशन जो प्रोडक्ट में है वो ना हो. और फॉर एग्जांपल आपका घी, ऑयल, इटेबल ड्रग्स, ये सील्ड पैकेजिंग में आते हैं ताकि किसी भी टाइप की एडल्ट्रेशन ना हो. तो ये थे फंक्शंस जो पैकेजिंग परफॉर्म करती है. द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैकेजिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी. प्रोडक्ट का पैकेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग सेल्स, और पैकेजिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का. अंडर द कंज्यूमर ओरिएंटेड मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट जो पैकेजिंग है वो पार्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, और उसे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की तरीके से ही ट्रीट करते हैं. तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या है. सबसे पहला, चेंजिंग द पैकेज स्ट्रैटेजी. एक कंपनी अडॉप्ट कर सकती है इस पॉलिसी को, वो पीरियोडिक टाइम पीरियड के बाद जो प्रोडक्ट का पैकेज है वो चेंज करती रहती है. और किस ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि जो एग्जिस्टिंग पैकेजिंग में अगर कोई डिफेक्ट है उसे करेक्ट किया जा सके, इनोवेशन लाया जा सके पैकेजिंग में, सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जा सके, मार्केट को एक्सपेंड किया जा सके, न्यू कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करके मोर इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोटेक्शन और कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाई जा सके. और अगर डिक्रीज इन सेल्स हो रही है तो प्रोडक्ट पैकेज को चेंज करके आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं. और मोस्ट ऑफ दी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पैकेज चेंज पॉलिसी को यूज़ करते हैं.
देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग स्ट्रैटेजी, इसे हम फैमिली पैकेजिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इस टाइप की जो पैकेजिंग स्ट्रैटेजी है उसमें जो पैकेजेस हैं आपके एंटायर प्रोडक्ट लाइन के जो क्लोजली रिसेंबल कर रहे हैं एक दूसरे को वो इंक्लूड होता है। तो जो मेजर बेनिफिट है इस स्ट्रैटेजी का दैट इज कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं आइडेंटिकल पैकेज में अगर कर रहे हैं तो उसे सेम मार्केट रेपुटेशन मिलेगी, इमेज और एक्सेप्टेंस मिलेगी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मिल रही है। इस टाइप की जो स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट साइजेस और मॉडल्स में वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है डिफरेंट बॉक्सेस यूज़ करता है डिफरेंट कलर्स के, लेदर शूज़ के लिए अलग, कैनवास शूज़ के लिए अलग, जेंट्स चप्पल के लिए अलग, लेडीज चप्पल के लिए अलग एक्सेट्रा। सेम तरीके से एग्जाम्पल है हिमालय ड्रग कंपनी का जो सेम पैकेज यूज करती है अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो बेस्ड है ऑन आयुर्वेदिक कंसेप्ट। और इस पैकेजिंग के जो बेनिफिट हैं वो क्या होते हैं, रेपुटेशन इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है, एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन में हेल्प मिलती है, स्टोरेज इजी हो जाता है, कॉस्ट पैकेजिंग की कम हो जाती है और न्यू प्रोडक्ट भी सेम रेपुटेशन और एक्सेप्टेंस इंजॉय करता है। देन नेक्स्ट इज रीयूज पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। रीयूज पैकिंग स्ट्रैटेजी में जो मार्केटर है वो ऑफर करता है प्रोडक्ट उस पैकेज में जिसे आप दोबारा रीयूज कर सको किसी और पर्पस के लिए एक बार जब आपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया है। एग्जांपल इसका हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि जैसे आपकी जो टी है अगर उसे आप किसी प्लास्टिक जग में ऑफर कर रहे हो तो टी यूज करने के बाद जो प्लास्टिक जग है उसे जो कंज्यूमर है किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता है। और इस टाइप की पैकेजिंग में कंज्यूमर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। देन नेक्स्ट इज योर मल्टीपल पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। जो मल्टीपल पैकेजिंग स्ट्रैटेजी है इसमें आप नंबर ऑफ हेटरोजेनियस प्रोडक्ट्स जो हैं एक कंज्यूमर अगर यूज कर रहा है तो उसको आप एक सिंगल पैकेज में रख देते हैं और आपकी जो कॉस्ट है पैकेजिंग की उससे कम हो जाती है और कंज्यूमर का टाइम भी सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ही पाउच में क्रीम पाउडर लिपस्टिक परफ्यूम फाउंडेशन नेल पॉलिश वगैरह पैक कर देते हैं और उसे कंज्यूमर को ऑफर करते हैं तो आपकी जो पैकेजिंग की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। तो जो टोटल सेल और यूनिट सेल है एक प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है मल्टीपल पैकेजिंग में। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रमोशनल पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। जो प्रोडक्ट पैकेज है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल्स प्रमोशन। जो मार्केटर्स हैं वो पैकेज को यूज करते हैं एज अ वेपन टू फाइट कॉम्पिटिशन। तो प्रमोशनल पैकेजिंग एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है। किस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें हो सकते हैं, जैसे मनी ऑफ पैक हो सकता है जो वाइडली यूज स्ट्रैटेजी है। इसमें जैसे एक फ्लैश है जो डिस्टिंक्टिव कलर में आपने पैकेज के ऊपर लगा दिया है कि इतना मनी ऑफ आपको दिया जा रहा है। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट देखो और उस जो पहले उसकी पैकेजिंग आ रही थी और जो नई पैकेजिंग है दोनों को अगर कंपेयर करो तो अगर दूसरी वाली पैकेज के ऊपर आपको हाफ जो पैकेज पहले था उस हाफ पैकेज पे आपको मनी सेवर लिखा हुआ है तो वो एक मनी ऑफ पैक की जो एग्जाम्पल है वो बनता है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं टूथपेस्ट के टूथ पाउडर के टी लीफ कॉफ़ी के वो इस टाइप की पैकेजिंग को यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट जो आपको दिया जा रहा है उसके बारे में प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाता है 20% फ्री या 20 ग्राम फ्री या ₹25 ऑफ, इस तरीके से जो लिखा हुआ पैकेजिंग के आप ऊपर देखते हैं वो मनी ऑफ पैक का ही एग्जांपल है। देन कूपन पैक, इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक जो कूपन है सर्टेन वैल्यू का उसे आप पैकेज का पार्ट बनाते हो, या तो पैकेजिंग के अंदर उसे आप प्लेस कर देते हो या पैकेज के ऊपर ही आप उसे अटैच कर देते हो जो प्रोड्यूसर उसे रिडीम बाद में कर सकता है थ्रू रिटेलर जो है आफ्टर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट आप उसे रिडीम कर सकते हो। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ब्रेड के सिगरेट टी लीफ टेलीविजन रेफ्रिजरेटर के वो जनरली इस टाइप की स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज पैक इन प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है एक गिफ्ट आइटम जो आप
के ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर आपने रखा है। इस स्ट्रैटेजी के अंडर आप एक्स्ट्रा गिफ्ट प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे एक टी पैकेट के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा स्पून प्रोवाइड करवा दिया, एक हैंकरशिप प्रोवाइड करवा दिया आपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के पैकेज में, या एक टूथपेस्ट के पैकेट में आपने टूथब्रश प्रोवाइड करवा दिया। और ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है कंज्यूमर प्रोडक्ट पैकेजेस में, क्योंकि एक गिफ्ट जो है वो आप ऑफर कर रहे हो कंज्यूमर को विद एवरी परचेज। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज प्रीमियम पैकेज, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।